दूसरे नंबर मैक्सिमम यूजर्स ट्रू कॉलर ऐप को यूज करते हैं यहाँ पर किसी भी फोन नंबर की डिटेल्स पता करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर सभी जानते हैं कि ट्रू कॉलर इतना सेफ ऐप नहीं है क्योंकि वो हमारी पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट वगैरह को अपने सर्वर पर अपलोड करता है। तो यहाँ पर दोस्तों गूगल ने अपना एक नया फीचर लॉन्च किया है, अगर यहाँ पर आप ट्रू कॉलर यूज किया करते थे तो अब यहाँ पर आप उसको अनइंस्टॉल कर देंगे, या फिर अगर आप यूज नहीं करते थे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से तो आप गूगल के इस फीचर को यूज कर सकते हैं, जहां पर दोस्तों आप कॉलर आईडी डिटेल्स वगैरह पता कर पाया करेंगे, साथ साथ आप ब्लॉक कर पाया करेंगे स्पैम कॉल्स वगैरह जो आपको आती है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं। दोस्तों इस फीचर को अपने फोन में इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल फोन ऐप की जरूरत पड़ेगी। तो गूगल फोन ऐप गूगल का ही एक डायलर है, फोन डायलर, जो जिससे आप कॉल्स वगैरह करते हैं। तो अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड यूज करते हैं तो आपके फोन में ये पहले से इनबिल्ट पड़ा आता है गूगल का फोन डायलर, लेकिन अगर आपके फोन में यहाँ पर गूगल का फोन ऐप नहीं है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लिंक पर जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहां पर आपको शो हो सकता है कि ये आपके डिवाइस के लिए कॉम्पेटेबल नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे स्लाइड कीजिएगा, वहां पर आपको दोस्तों बीटा प्रोग्राम शो हो रहा होगा इस ऐप का, आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। जैसे आप ज्वाइन करेंगे 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है, ज्वाइन होने में, फिर से आप बैक करके फिर से उस पेज को ओपन कीजिएगा तो वहां पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। इंस्टॉल का ऑप्शन आने के बाद सिंपल इंस्टॉल पर क्लिक कीजिएगा और अपने फोन में गूगल फोन डायलर को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों ऐप इंस्टॉल हो जाए ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको कुछ परमिशन वगैरह मांगता है वो अलाउ कर दीजिएगा, उसके बाद आपको सेटस डिफॉल्ट लगा लेना है अपने इस वाले गूगल फोन ऐप को। तो अब ये दोस्तों आपका डिफॉल्ट डायलर हो चुका है, आपका जो पड़ा आया है पहले से डायलर आप उसको हटा सकते हैं और उसकी जगह यहाँ पर गूगल का फोन वाला ये वाला फोन ऐप का डायलर लगा सकते हैं। अब जैसे ये डायलर लग जाएगा, इस डायलर में सिम टू सिम सारी वही फीचर्स होते हैं जो आपके नॉर्मल डायलर में होते हैं, लाइक आप कॉल्स कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट देख सकते हैं, रिसेंट वगैरह सब कुछ, ठीक है, तो वो सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। अब इसमें यहाँ पर एक नया अपडेट आया है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। आपको अपने फोन डायलर में जाना है, ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, वहां पर आपको सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलेगा, आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाइएगा तो वहां पर आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहां पर आप किसी भी कॉल्स को ब्लॉक वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके फोन में कोई नंबर सेव नहीं है और अननोन नंबर से कोई कॉल वगैरह आती है तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड हो जाएगी। जो भी नंबर आपके फोन में सेव होंगे अगर उनसे कोई कॉल आती है तभी आप उसको रिसीव कर पाएंगे। तो ये सारे फीचर्स न्यू फीचर्स हैं, आप इसको इनेबल कर रख सकते हैं अगर आपको जरूरत हो तो। ऐसे यहां पर एक और न्यू फीचर आया है कॉलर आईडी एंड स्पैम का, वहां पर आपको शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आप उसको इनेबल कर दीजिएगा। अब यहां पर आपको इस फीचर को इनेबल करने के लिए पहली बात तो कोई भी चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ेगा, साथ साथ यहां पर गूगल का ऑफिशियल ऐप है, कोई भी एड्स वगैरह यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो बस यहां पर इनेबल कर दीजिएगा, गूगल की सिक्योरिटी भी यहां पर आपको मिल जाती है। अब जब भी आपके पास कोई कॉल्स वगैरह आए करेंगे, लाइक स्पैम कॉल्स आएंगी तो वहां पर आपको शो हो जाया करेगा, या फिर कोई और बिजनेस कॉल्स वगैरह आया करेंगे तो वहां पर उसका नेम आपको शो हो जाया करेगा। जस्ट लाइक मैं आपको कर दिखा देता हूं, जैसे मैं एक किसी भी कस्टमर केयर का नंबर डायल करता हूं, ठीक है, तो जैसे यहां पर मैं कस्टमर केयर का नंबर डायल करूंगा तो वहां पर ऑटोमेटिकली उसका नेम लिखा आ जाएगा, जबकि ये जो नंबर है ये मेरे फोन में पहले से सेव नहीं है, ठीक है, बस मैं नंबर डायल किया तो वहां पर ऑटोमेटिकली शो कर जाएगा कि ये किसका कस्टमर केयर नंबर है। तो इससे फ्रॉड एक्टिविटीज वगैरह काफी रुक जाएंगी, तो इस टाइप से यहां पर आप पता कर पाएंगे। और साथ साथ आपके पास कोई स्पैम कॉल्स वगैरह आती हैं, ठीक है, तो वो भी यहां पर आपको पता चल जाए करेंगे कि भाई स्पैम कॉल है तो आप उसको ब्लॉक वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया फीचर दिया है गूगल ने, आप इसको लगाना चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैंने आपको फुल प्रोसेस बता दिया। बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आते हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको ऐसी बड़ी वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। तो बस दोस्तों मैं मिलता हूं फ्रेश एक्साइटिंग वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।